राजस्थान के जालौर जिले में एक दलित छात्र की शिक्षक द्वारा पिटाई से हुई मौत के मामले ने आज जिले में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। जालौर जिले में मासूम की मौत के बाद आक्रोशित भीम आर्मी के समर्थकों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई। इस घटना के बाद जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया। वहीं मामले में सीएम गहलोत ने राजधानी जयपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि जालौर की घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के समर्थकों ने रविवार दोपहर पुलिस पर पथराव कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी। लाठीचार्ज में मृतक छात्र के मामा समेत 5 से 6 लोगों को चोटें आई। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां खड़ी कर गांव का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ऐसे हालात में घायलों को अस्पताल ले जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल रविवार को बच्चे की बॉडी गांव पहुंची थी। घर के आंगन में बॉडी रखकर प्रशासन के साथ बात चल रही थी। मृतक के परिजनों ने 50 लाख मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर अपनी बात रखी थी। इसी दौरान वह माहौल गर्मा गया और धक्का मुक्की हो गई। तभी अचानक कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की कई गाड़ियां पथराव के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। हालात बेकाबू न हो जाए इसे देखते हुए घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को छोड़कर सभी रिश्तेदारों को घर से बाहर निकाल दिया। शाम करीब 7:30 बजे परिवार वालों से मुआवजे पर सहमति बनी और इंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।